नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, पिछले कुछ दिनों से शिक्षा विभाग की तरफ से जो अपर मुख्य सचिव है के पाठक की तरफ से लगातार आदेश पर आदेश निकल रहे हैं। वे शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं और इसे लेकर अलग अलग लेवल पे उन्होंने कई आदेश निकाले। उन आदेशों में शिक्षकों के लिए गाइडलाइंस भी था, साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन भी थे और चेतावनी भी थी। चेतावनी इस मायने में कि कोई भी शिक्षक किसी संघ से न जुड़े, अगर संघ से जुड़ते हैं तो उनकी मान्यता या फिर उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। संघ के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हुए और कई शिक्षक नेताओं को भी नोटिस जारी किया। तमाम शिक्षक जो संघ है वो इस चीज से नाराज थे और लगातार उन्होंने इस बात का विरोध किया कि क्यों जो संघ काफी लंबे समय से चल रहा है, उसको मान्यता मिली हुई है, सरकार की तरफ से मान्यता है, फिर क्यों उसके अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब संघ की तरफ से क्या होगा, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि लगातार पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व होने लगी है, राजनीतिक दलों के नेता भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और उन्होंने कई लेवल पे जाकर ये सरकार से ये मांग की है। खास करके लेफ्ट के जितने भी विधायक है और नेता है वो ये चाहते हैं कि के पाठक को हटाया जाए। अब सवाल ये है कि के पाठक आदेश पर आदेश जारी किए जा रहे हैं, संघ इससे नाराज है। हमने आज एक बार फिर तीन संघ को जोड़ा है और उन संघ के नेताओं को यहाँ पैनल में रखा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में क्या हालात है। सबसे पहले शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ से हैं। वहीं पे मनोज कुमार जी हैं, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से हैं। और वहीं कन्हैया बहादुर सिन्हा है जो विश्वविद्यालय के संगठन चुनाव के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपसे लगातार आप लोग हमारी और अलग लेवल पे इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या संघ के ऊपर इस तरह से सवाल किया खड़ा किया जाना सही है या नहीं। अभी एक बात आई थी कि शिक्षकों का महाजुटान होगा, शिक्षक जुटेंगे, तमाम संगठन एकजुट होंगे, क्या हुआ उसका? तमाम संगठनों की बात तो मैं नहीं करता हूं, भीतर ही भीतर आग सुलग रही है, लेकिन माननीय विधायक संदीप सौरभ जी ने इस सरकार के खिलाफ और शिक्षकों के हित में एक आह्वान किया है शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से, जो महागठबंधन के होते हुए और शिक्षकों के हित में भी कई बार उन्होंने वार्ता भी किया और सरकार से मुखर होकर विरोध भी किया। और फिलहाल जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के श्री के पाठक जी ने, उनका तो खुलकर विरोध किया इन्होंने और उनके आदेशों की धज्जियां उड़ाई और यहां तक कह दिया कि नौकर शाह हैं, बिल्कुल आदेश का पालन करें, अपने मन से जो आदेश निकाल रहे हैं इसका मैं प्रतिकार करता हूं। तो मैं बधाई देना चाहता हूं ऐसे माननीय विधायक को कि जिन्होंने शिक्षकों के साथ मिलकर और शिक्षकों के हित की बात की है, मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन अन्य संघ जितने हैं कुकुरमुत्ते के तरह, और यही कारण है कि जो संघ स्थापित संघ थे, मूल्यों के संघ थे, शिक्षकों के हित के संघ थे, उनके खिलाफ जो हो रही है और उनके खिलाफ जो ये छुट भई है नेतागण जो कुकुरमुत्ते के तरह उगाए, और उनकी जो आशाएं थी, उनका जो संघर्ष था और उनका जो सम्मान था और शिक्षकों के पक्ष में जो जो उन्होंने कार्य किए हैं, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ, उनके किए गए कार्यों पर पानी फेरने का काम ये छोटे छोटे कुकुरमुत्ते संघों ने किया और आज सरकार के खिलाफ बोलने में उनकी बोलती बंद है। भाई मनोज जी बैठे हुए हैं जो प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और ये क्या नाम है, कन्हैया बाबू, कन्हैया बहादुर जी, जो मुखर होकर सरकार और सरकार के नौकरशाह का विरोध कर रहे हैं। और जहां तक शिक्षा मंत्री जी की बात है, कल जहानाबाद में गए हुए थे और वहां से मुखर होकर कहा कि शिक्षकों पर जो ये तानाशाही रवैया अपनाई जा रही है बर्दाश्त योग नहीं है। न जाने क्यों शिक्षा मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मनोज जी, जिस तरह की बात आप जी कर रहे हैं, आप लोग
एक मंच पे आने की बात थी। विरोध सबका है, आपका भी है, माध्यमिक शिक्षक संघ का भी है, फुटाप का भी है, जितने भी संगठन है उन सभी संगठनों का, सभी संघों का विरोध है, बावजूद आप लोग एक मंच पर क्यों नहीं आ रहे। आप ही लोग का कहना है कि हम लोग एक मंच पे आएंगे, महाजुटानों का हम लोग सरकार से मांग करेंगे, एकजुट आप लोग क्यों नहीं हो पा रहे। देखिए दीपक बाबू, शैल बाबू ने बिल्कुल सही कहा कि एक कुकुरमुत्ते के तरह जो संगठन उगाए हैं, सारे समस्या का जड़ यही है कि सरकार में भी कंफ्यूजन, जनता में भी कंफ्यूजन, सब लोग 10-5 आदमी जुटते हैं एक पैर छपा के और लोग संगठन का नाम देकर चलाने लगते हैं, तो गलत है। बिहार शिक्षक संघ जो अभी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है, आजादी के पहले से यह संगठन है और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। फिर भी जो है सारे चीज को अभी के वर्तमान स्थिति में सुधार करके लोगों ने जो पत्र निकाला, हमसे भी स्पष्टीकरण पूछा गया है, तो इस संबंध में मौलिक अधिकार की बात है, विभाग का निर्देश है कि आप जो है कुछ बोलिए नहीं, कुछ करिए नहीं, तो के प्रतिनिधि के नाते तो हम लोगों को बोलना ही होता है। और हमारे अध्यक्ष जी ने इसके लिए जो है सभी जिले के अध्यक्ष और प्रधान सचिवों की बैठक 10 तारीख को बुलाई है और जिसमें हम लोग आगे ये तय करेंगे कि हम लोगों को किस तरह से संघर्ष में आगे बढ़ना है, क्योंकि ये केवल शिक्षक संगठन की बात नहीं है, ये लोकतंत्र बचाने की बात है। हम लोग कोई आंदोलनकारी नहीं है, आंदोलनकारी तो देश जिस समय गुलाम हम लोग थे, आंदोलन किए थे, लेकिन अभी तो हम लोग शिक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं। संगठन के लोग बहुत सारा प्रोजेक्ट ऐसा चला है जो कि बिना सरकार के सहायता के बिहार शिक्षक संघ ने खुद चलाया है। और ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि लोग कहते हैं संगठन की मान्यता नहीं है, जबकि हम लोगों के पास कई पत्र है, हमने सारे पत्रों को माननीय मुख्यमंत्री को भी भेजा है, माननीय शिक्षा मंत्री को और जितने भी संबंधित पदाधिकारी हैं सारे लोगों को भेजा है। और हम लोग काम करते हैं, तरीका से काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और समय समय पर हम लोग तो हर एक 2-3 वर्ष पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन करने का काम करते हैं। हाल ही में हम लोगों ने गांधी नगर में किया था मई के महीना में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री आए थे उद्घाटन करने और लाखों लोग जुटे थे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, जिसका हिस्सा बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ है, और हम लोग 168 देशों का जो 168 देशों में शिक्षकों का जो संगठन है EI, उससे भी संबद्ध है। संबद्ध ही नहीं है बल्कि बिहार से 2 उसमें फाउंडर मेंबर रहे हैं, अखिल भारतीय शैक्षिक संघ की ओर से आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा अभी जीवित हैं और एक हमारे दिवंगत हो गए पंडित जगदीश मिश्र जो बिहार के ही थे, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से थे। फिर भी पदाधिकारियों को इन सारी बातों को समझना चाहिए और सरकार का जो सकारात्मक चीज है उसका हम लोग समर्थन करते हैं। ठीक है, टीचर आएंगे स्कूल में समय से, टीचर पढ़ाएंगे, पढ़ाने में यदि कमजोर बच्चे हैं उनके लिए हम लोग काम करेंगे, लेकिन जो अलोकतांत्रिक चीज है उसका हम लोग विरोध करेंगे। और जब तक डेमोक्रेसी में शिक्षक का मान सम्मान नहीं रहेगा तो फिर कैसे हम लोग बच्चों को मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाएंगे कि तुम्हारा क्या क्या मौलिक अधिकार है, जब हम अपना मौलिक अधिकार का रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन सारी बातों को अध्यक्ष जी ने संज्ञान में लिया है और सरकार को इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ये आपके चैनल से यदि कोई पदाधिकारी भी आपकी आपके अगेंस्ट भी एक नोटिस आया और आपने एक शिक्षा विभाग को पत्र लिखा, पत्र में आपने कई चीजों का जिक्र किया, कई मुद्दों को आपने उसमें उठाया और आपने इसमें सरकार से जवाब मांगा, कोई जवाब आया? जी नहीं, अभी कोई जवाब नहीं आया है। एक्चुअली हमने 30 तारीख को शाम को मेल से सबको भेजा था और स्पीड पोस्ट से उसी दिन भेजा। आज स्पीड पोस्ट का जो रिकॉर्ड हमने देखा तो 2 तारीख को उन लोगों ने उसको रिसीव किया है, तो इसलिए 2 को तो सैटरडे था, कल संडे ही था और
और हम लोग हमारी जो योजना है कि कम से कम 7 दिनों का समय हम उनको देंगे, अगर 7 दिन के अंदर वो कोई जवाब नहीं देंगे यानी कि 2 तारीख से लेकर के 9 तारीख तो नहीं जवाब देंगे तो हमारा तो डिसीजन पक्का है कि मैं क्रिमिनल मानहानि दावा में जाऊंगा। अब रह गई बात राज्य स्तर की, तो राज्य स्तर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग सभी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों को बुला रहे हैं, हम लोग अन्य संगठनों से भी चर्चा कर रहे हैं, और चूंकि ये सब लड़ाइयाँ जो होती है जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है और संघ संगठन को दबाने और रोकने का सवाल होता है, तो ये कोई हड़बड़ी में लड़ाई हम लोग नहीं लड़ना चाहते। ये एक सुनियोजित ढंग से सब एक्सपीरियंस लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो जब तक उसमें सुनियोजित ढंग से हम प्रहार नहीं करेंगे तो इन हेस्ट कोई डिसीजन लेने से हम अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकते। अब रह गई बात संघ संगठन क्यों, आप बताइए कोई किसी कैडर में 1 लाख आदमी अगर हो तो क्या शिक्षा विभाग या मुख्यमंत्री या कोई भी उन 1 लाख आदमियों के ग्रीवांसेज को सुन सकता है? हम लोग जितना बात लिखते हैं शिक्षा विभाग को, आप नहीं जानते हैं, इसके पहले मैंने पाठक जी को एक पत्र लिखा था जिसमें सारे समस्याओं का जिक्र किया था, कोई जवाब नहीं आया। तो जब जवाब नहीं आएगा तो आप तो अखबार में जाएंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किसी भी कोई भी संघ बना सकते हैं, संस्था बना सकते हैं, उसके सदस्य हो सकते हैं, चाहे सरकार उसको मान्यता दे या ना दे। मैंने एक एक एक, एक आपको मैं उदाहरण दूं, मैंने आपको बताया था कि 75 में 76 में हम लोगों ने अस्थायी शिक्षक संघ बनाया था जिसने 79 तक हड़ताल किया और कर्पूरी जी के साथ समझौता हुआ। हमारा अस्थायी शिक्षक संघ कहीं से भी मान्यता कोई नहीं था, उसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन जब समाज में कोई जो वेलफेयर स्टेट है जिसको और संवेदनशील सरकार है तो एक जमात की बात उसको सुननी होगी चाहे उसके लिए कोई ऑफिशियल मुहर हो या ना हो। तो यही डेमोक्रेसी है कि जब आप सबकी बात सुनते हैं और अकेले अकेले कोई अपनी बात अपनी सारी चीजें नहीं रख सकता है, तो हम लोग तो हैं जैसे जीन को बोतल में बंद कर किया जाता है वैसे ही हम लोग वो जीन जो हमारा है मेंबर उसको हम बोतल में बंद करके रखते हैं और आपके सामने आ करके और उसकी समस्याओं को समाधान करते हैं। आप जब नहीं हमारी सुनिएगा तो बोतल को खोल देंगे, तो उसके बाद फिर आपको फेस करना पड़ेगा। अब मैं आपको क्या और बताऊं, ये इतने जो झमेला हो रहे हैं और आदेश निकल रहे हैं और किसी को कहा जाता है कि FIR कर देंगे, आप व्हाट्सएप कर रहे, क्या जो वर्तमान हमारे शिक्षा सचिव हैं पाठक जी, उन्होंने आते जो काम किया उसमें उन पर एक्शन होना चाहिए था। उन्होंने आते गवर्नर को चैलेंज कर दिया और गवर्नर ने 4 ईयर डिग्री कोर्स लागू किया। उन्होंने कहा उनका पत्र है, सारे अखबारों में छपा है, मेरे पास भी वो पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार सरकार अभी 4 साल के कोर्स को लागू करने की मदद सामने नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मामला है गवर्नर हाउस, गवर्नर को उन्होंने गवर्नर के अधिकार को चुनौती दी थी, वो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है कि उस पर क्या करेंगे। फिलहाल जो चीजें हैं, शैलू जी यहाँ पे आप 3 संगठन के लोग हैं, आपने कहा कि कुकुरमुत्ते की तरह संघ जो है वो उगा है, लेकिन जो पुराने संगठन है, जो संगठित संगठन है, वो संगठन एक मंच पे क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं अपनी बातों को रखते, क्यों आप लोगों में इतनी एकजुटता नहीं है कि टुकड़ों टुकड़ों में बट चुके हैं आप लोग? टुकड़ों टुकड़ों में बटने का है राजनीतिक स्वार्थ। राजनीतिक स्वार्थ जिस भी संगठन में आ जाता है या राजनीतिक लिप्सा, तो वह संगठन किसी दूसरे संगठन के साथ नहीं रह सकता है। और हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में राजनीतिक मीमांसा है, पिपासा है, स्वार्थ है। वहां हर कोई जो पदाधिकारी हो जाता है वो MLC बनने की ख्वाहिश रखता है, और इसमें जो जेन्युइन जो है सदस्य वो पीसे जाते हैं, राजनीतिक शिकार हो जाते हैं, और ये लोग शिकार और शिकारी को बड़ा दोनों तरफ मदद करते हैं, ये दोनों नाव पर चलते हैं। आज स्थिति यही हो गई है गड़बड़। जिन जिन संघों में राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक करने की मीमांसा हो जाती है, चाहत हो जाती है, ऐसी स्थिति में सकारात्मक बदलाव
और गुणात्मक परिवर्तन की संभावना बन जाती है, जिससे अपेक्षित परिणाम जो होते हैं संघों के और संगठनों में की जो सम्मानित वो जो गुणवत्ता होती है वो समाप्त हो जाती है, और जो शिक्षकों के लिए अपेक्षाएं हैं वो शून्य हो जाती है। और यही हाल राजनीतिकरण, राजनीतिक जिस भी दल का नेता हो जाएगा शिक्षक समाज का, वो संगठन समूल नष्ट हो जाएगा। और इसके पहले प्राथमिक शिक्षक संघ और माध्यमिक शिक्षक संघ दोनों मिलके संघर्ष करते थे, और किसी सरकार की मजाल नहीं थी, उसमें यूनिवर्सिटी के भी लोग रहते थे। और ऑल इंडिया जो शैक्षिक संघ है वो KG-2 PG है। हमारे संघ में यूनिवर्सिटी से लेकर और प्राइमरी स्तर तक के सारे शिक्षक इसमें रहते हैं, और ये आजादी के पहले की है। और पूरे एजुकेशन इंटरनेशनल से इसका टैगिंग है, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और उस तरह का प्रशिक्षण वहां का विदेशों का यात्रा सब होता है, एड मिलते हैं प्रशिक्षण के लिए। और ऐसे संगठनों के बीच दरार आने का कारण है राजनीतिक स्वार्थ। और के पाठक जी उन प्रयासों का हम लोग समर्थन किया, मैंने समर्थन खुद किया है कि एक नई दिशा देने की थी, एक राह दिखाने की थी। मनोज जी एक बात ऑब्जेक्ट होता है इनके प्रयासों की मैंने सराहना भी की। जी शैलेंद्र जी, मनोज जी आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से शैलेंद्र जी बोल रहे थे कि शिक्षा में और शिक्षक संघों में या शिक्षक संघों में राजनीति घुसी हुई है और राजनीतिकरण हो गया है, क्यों आप लोग राजनीतिकरण आप लोग इन्वॉल्व होने देते हैं? क्यों नेताओं को आप लोग जब मौजूद है सक्षम लोग हैं जो आप शिक्षक के हितों की बात कर सकते हैं, फिर क्यों आप लोगों को जरूरत पड़ती है कि आप उनके जरिए जाते हैं सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए? देखिए दीपक बाबू, शैलेंद्र बाबू ने बिल्कुल ठीक कहा, और लोकतंत्र है। अभी कन्हैया बाबू भी कह रहे थे कि कोई भी आदमी चाहे उसके संगठन की मान्यता हो या ना हो वो एकत्रित होकर कार्य कर सकता है। तो लोगों में महत्वाकांक्षा है, सारे लोग अध्यक्ष और महामंत्री ही बनना चाहते हैं। आखिर में एक संगठन में तो एक ही अध्यक्ष और महामंत्री होगा, तो नंबर एक ये बात है। नंबर दो ये उसमें बात है कि राजनीतिक दलों के लोग और कुछ पदाधिकारी और अन्य लोग भी है, कई सारा फैक्टर है, ये लोग भी चाहते हैं कि शिक्षकों में कर्मचारियों में फूट डालो और शासन करो। और ये देखिए ना, यहाँ तो मतलब पार्टी और कुछ लोगों का अभी कम है बिहार में, बंगाल वगैरह में क्या है, जितने राजनीतिक दल हैं सबका संगठन है, अलग अलग संगठन है, अन्य भी सभी राज्यों में यही स्थिति है। तो इसमें लेकिन आम शिक्षक आज भी 80% से अधिक प्राथमिक शिक्षक बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का सदस्य है, माध्यमिक शिक्षक संघ की भी वही स्थिति है, यूनिवर्सिटी में भी वही स्थिति है कि जो पुराना संगठन है अधिकांश शिक्षक उससे जुड़े हैं। लेकिन सरकार ने आपने देखा कि बीच में जब 2015 में आंदोलन हो रहा था तो कितना सबको चिट्ठी भेज भेज के सरकार के लोगों ने बुलाया, बैठ के लोगों से वार्ता किया, तो लोग बढ़ाने का काम भी तो सरकार ही कर रही है। और आज जब मतलब उनका जो है सो सर फूटने वाली बात हुई तो आप कह रहे हैं कि कोई संगठन है ही नहीं। तो इस तरह की बात है, और इसमें सही बात है कि राजनीति है, लेकिन अभी भी कहा जाए तो जो कर्मचारी यूनियन या अन्य के मामले में शिक्षक अधिक गोलबंद है, और हमारे अध्यक्ष जी आपको पहले भी बताए कि वो सारे जिला के अध्यक्ष और मंत्री की बैठक बुलाएं और हम लोग इस परिस्थिति से मिलजुल कर मुकाबला करेंगे, और हमको कोई पदाधिकारी से देश नहीं है, जो अच्छा काम करते हैं उनका समर्थन करते हैं, लेकिन जो गलत होगा तो उनको सावधान करना, उनको सचेत करना, सरकार से अनुरोध करना, आग्रह करना, नहीं तो आंदोलन करना, ये हम लोगों का
मैंने मौलिक अधिकार है और हम लोगों का जो है सो यही धर्म है जी। कन्हैया बहादुर जी, जिस तरह से अभी शैलेंद्र जी बोल रहे थे, मनोज जी बोल रहे थे कि शिक्षक संघों में, शिक्षा जगत में नेताओं का की एंट्री हुई है, अब सवाल है कि जो नेता यहाँ पे आते हैं या फिर जो शिक्षक संघ में आते हैं, सबको एमएलसी बनना है, नेता बनना है और सबको संघ का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनना है, तो जाहिर सी बात है ना कि जब पर्सनल स्वार्थ जब सामने आएगा तब सरकार और विभाग तो हावी होगा ही होगा ना, शिक्षा जगत और शिक्षकों के हितों की बात कहाँ होगी। मैं आपसे सहमत हूँ कि कोई भी नेतृत्व अगर सेल्फ को अगर अपने तिजोरी में बंद करके नहीं चलेगा तो वह किसी संगठन को लीड नहीं कर सकता है। और जहां तक एमएलए एमएलसी बनने की बात है तो ये तो जमाने से चला आ रहा है, चूंकि शिक्षकों चाहे माध्यमिक शिक्षक संघ हो या विश्वविद्यालय के शिक्षक हो, यही लोग एमएलए एमएलसी बनने के हकदारी हैं और वो लोग मतदान करते जाते हैं। देखिए दूसरी बात ये कि संगठन तो पुराना नया, तो जब नए लोग धीरे धीरे आने लगते हैं तो उनकी एक समस्या अलग होती है और उनको एसिमिलेट करने में पुराने के साथ समय लगता है। कई स्टेज के हम लोग यहाँ भी कई स्टेज 2003 में भी आप 2096 में अपॉइंटमेंट हुआ तो उन्होंने एक अलग संघ बनाया, 2003 में अपॉइंटमेंट हुआ उन्होंने एक अलग संघ बनाया, उसके बाद वो पुराने के साथ धीरे धीरे आगे एसिमिलेट होकर के एक बैनर के अंतर्गत है। तो समस्याएं जब अलग अलग रहती हैं तो संगठन बनते हैं, लेकिन ये पहली बार आप एक समस्या खड़ी हुई है आपातकाल के बाद जब सारे संगठनों को पर एक साथ सरकार ने प्रहार किया है जो, और जिसके चलते ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। पहले यूनिवर्सिटी टीचर्स अपनी अलग लड़ाई लड़ते थे, माध्यमिक अलग लड़ाई लड़ते थे और कर्मचारी लोग अपनी अलग लड़ाई लड़ते थे, तो उनकी सबकी मांगे अलग अलग थी। अब एक कॉमन चीज आया है जिसमें शिक्षा के अलावा आपको हमारी स्वतंत्रता का सवाल हो गया है, संवैधानिक हमारे जो राइट्स है उसका सवाल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हम सब मिलके आएंगे और मुझे हमारे सब लोग जो बोल रहे हैं बात ठीक है, लेकिन फिर भी जब कोई बड़ा कॉज होता है तो उसके सामने धीरे धीरे लोगों को अपने स्वार्थ को किनारे करना पड़ता है अगर हो भी तो। और मुझे विश्वास है कि सब एक होंगे और एक संयुक्त लड़ाई होगी अगर सरकार ने रवैया अपना नहीं बदला तो। ये लोग जी जाहिर सी बात है कि संयुक्त लड़ाई होगी और अब सारे शिक्षक संघ एक हो गए, क्योंकि ये देखा गया है कि शिक्षक संघों पर एक साथ प्रहार किया गया है, वो संयुक्त लड़ाई कब होगी ये देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में आपने भाग ली, शैलेंद्र कुमार शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कन्हैया बहादुर सिन्हा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।